वेलकम टू माई चैनल मिस्टर सीजम भाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो रीडिंग है वो हम नेक्स्ट 72 आवर्स की करेंगे। हम देखेंगे अगले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी के कैसे रहेंगे, क्या गुड न्यूज़ मिराकल्स नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में हो सकता है। उसके साथ साथ देखेंगे कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जो आपके पर्सन है, लवर है, जिनके साथ आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं बना हुआ था या है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे वन बाय वन। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा पूरा क्लैरिटी मिले। कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत पावरफुल वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक डाली है आप सबके लिए, तो जरूर चेक करना। ये जो प्रीवियस वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिसे अप्लाई करके आप अपने जिंदगी में कुछ भी आकर्षित कर सकते हो। बहुत पावरफुल टेक्निक है, तो जरूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी, वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्बल नंबर 37, वी हैव जर्नी नंबर 2, वी हैव सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल नंबर 36। ओके, और भी देखेंगे कार्ड्स। We have Page of Swords. We have Nine of Cups. Okay. We have Knight of Wands. Great. Okay. So, सबसे पहले देखेंगे next 72 hours में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो person आपके दिल में है, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। सबसे पहली चीज दिख रही है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एंड इनसिक्योर फील करेंगे। उन्हें ऐसा फील होगा कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, शायद कोई और आपको पाना चाहता है, तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल चलेंगे उल्टे सीधे, ठीक है, कि आपको शायद कोई और इम्प्रेस कर देगा या कर देगी, या आपके लाइफ में शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका इंटरेस्ट शायद किसी और के ऊपर जा रहा है, आप शायद लोगों से बात कर रहे हो, पता नहीं आप कहाँ हो, कहीं किसी और के साथ तो नहीं घूम रहे हो या बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये सारा मन उनके दिल में बहुत काम करेगा। अलग ही लेवल का पॉजिटिवनेस आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स फील करेंगे, एंड उनको ऐसा फील होगा कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है, एंड इस तरीके से आपको छूट दे देना या इस तरीके से आपसे दूर रहना उनके लिए हार्मफुल होगा, बिकॉज जितना वो आपसे दूर जाएंगे आपका इंटरेस्ट किसी और के ऊपर डेवलप होगा, या वो स्पेस को बना देंगे ताकि कोई नया इंसान या कोई दूसरा इंसान उस जगह में एंटर कर सके और आपके दिल में एंटर कर सके। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेगी, जिसको लेकर ये नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत खोजबीन करना चाहेंगे। वो देखना चाहेंगे कहीं उनका जो सोच है वो सच तो नहीं है, कहीं आप सच में किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो, कहीं सच में आपको कोई पसंद तो नहीं कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया के थ्रू या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स लोगों के थ्रू बात कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भी डायरेक्ट हो सकता है, बोल सकते हो, पूछ सकते हो, इस तरीके की चीजें। तो उसी चीज को लेकर, उसी पॉजिटिवनेस की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि नो नो नो, कुछ तो गलत हो सकता है बहुत जल्द, और हमें जो अब डर लग रहा है, अब ये सच में अगर बदल जाए तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें अब बैठे नहीं रहना। जब हम इस इंसान को चाहते हैं, इन्हें प्यार करते हैं, इनके लिए टेंशन लेते हैं, इनके लिए पॉजिटिव होते हैं, तो फिर इनसे दूरियां क्यों हम कंटिन्यू रखें, क्यों दूर रहें मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर या ज्योग्राफिकल लेवल पर। आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि उन्हें आपकी तरफ अब आना है, वो बस बैठे नहीं रह सकते और जानबूझकर दूर नहीं रह सकते, कोई भी दूरियां उन्हें अब महसूस हो रही है, तो अब वक्त है उन्हें एक्शन लेने का, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अगर वो इसी तरीके से बैठे जाएंगे तो उनकी जगह 110% कोई और ले लेगा, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन फील करेंगे, ऐसे थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे। ओके, एंड विद द सेकेंड चक्रा एंड नाइट ऑफ वांड्स कार्ड,
बहुत पैशनेट फील करेंगे अंदर से कि दे रियली लव यू, दे रियली वॉन्ट यू, उन्हें आप चाहिए हो लाइफ टाइम, आपको बहुत पसंद करते हैं, वो इस चीज़ को वो महसूस कर पाएंगे, ठीक है, दिल से कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं हर एक तरीके से। आप उनके नज़रों में बहुत खूबसूरत इंसान है, दे आर टोटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, टोटली दीवाने हैं आपके, फिदा हैं आप पर। तो वो किसी और को 10% भी वो पॉसिबिलिटी नहीं दे सकते कि कोई और आपसे जुड़ सके या किसी और को मौका मिले आपसे बात करने का, आपको खुशियाँ देने का, इम्प्रेस करने का, ठीक है। तो एक अलग ही लेवल का पॉसिवनेस इनका काम करेगा एंड उससे रिलेटेड ही ये सोच पाएंगे कि नहीं, अगर कोई नेसेसरी एफर्ट्स हैं जो इन्हें लेने चाहिए तो वो ज़रूर लेंगे उस चीज़ को। इस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें होगा कि अगर तुम इस रिश्ते को नहीं निभाओगे तो कोई और निभाने वाला या कोई और निभाने वाली इजिली आ सकती है या आ सकता है, ठीक है। तो वो डर इनके ऊपर यू नो हावी होगी एंड उसको लेकर ही फिर वो आगे बढ़ेंगे एंड आपके टूवर्ड्स एफर्ट डालने का, आपको और भी ज़्यादा प्यार करने की, और किसी भी तरीके की अगर गैप है, कम्युनिकेशन गैप या इंटीमेसी का गैप, उसे पूरा करने की, उसे ठीक करने की, फिक्स करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। ओके सो लेट्स सी और भी कार्ड्स। We have a four of cups. We have death. We have six of swords. We have page of swords. Okay. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्लो सी आगे बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग सी। स्टार्टिंग के 72 आवर्स जो होंगे वो थोड़े से बोरिंग होंगे आपके लिए, अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अच्छा दिन ना बीते या जो हम चाह रहे हैं वो हम पूरे तरीके से कंप्लीट ना कर पाए या हमारी विश पूरी ना हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे 72 आवर्स के आवर्स बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके लाइफ में एक फ्लो आएगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फोकस्ड फील करोगे एंड आपका एक कोई विश है जो आप नेक्स्ट 72 आवर्स के बीचों बीच सोचोगे कि ये मुझे इस टाइम पे मिलना चाहिए, बट स्टार्टिंग में तो वो नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जा यू नो ये विश भी मेरा पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। बट एंड जब आने वाला होगा नेक्स्ट 72 आवर्स का, तब तक आपकी वो विश या वो चाहत डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। अब ये चाहत विश किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो आपकी 72 नेक्स्ट 72 आवर्स थोड़ी सी सैडनेस बोरिंगनेस के साथ स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी एकदम लवेबल वे में, हैप्पी वे में एंड फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, ठीक है, फ्लो नज़र आ रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ में अगर लैक कर रहे थे या कोई काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, विद इन 72 आवर्स उस टास्क को कंप्लीट कर पाओगे सक्सेसफुली, ठीक है, उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे सक्सेसफुली। सो 72 आवर्स आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट ही करोगे नेगेटिव सोचकर, तो अभी आपको रीडिंग के थ्रू पता चल गया तो मतलब ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव माइंडसेट एंड अच्छी अफर्मेशंस के साथ अपना वक्त बिताओ। पहले से ही आपको नेगेटिव या बोरिंग या ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा ऐसा सोचना ही नहीं, आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और नेक्स्ट 72 आवर्स आपके बहुत ही अच्छे बीतेंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। फ्लो में बीतेंगे, एंजॉय करते हुए घूमते हुए बीतेंगे। आप घूमने भी जाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लवर के साथ या फिर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ डेफिनेटली घूमने जाओगे कहीं पे, जिससे आपको रिफ्रेशमेंट फील होगी, मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे। नेचर में रहने वाले हो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में, नेचर के प्रेजेंस में रहकर एंजॉयमेंट डेफिनेटली आप करने वाले हो। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के भी फीलिंग्स के अंदर बहुत अच्छी चेंजेस होगी, जिससे रिलेटेड वो एफर्ट्स नेक्स्ट 72 आवर्स में डाल भी सकते हैं और आपका लाइफ भी ओवरऑल नेक्स्ट 72 आवर्स में अच्छा जाएगा और कुछ ना कुछ एक छोटी बड़ी विश या कोई एक अचीवमेंट आपको जरूर मिल जाएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके आपके लिए एक गाइडेंस मैं चेक करूंगी। ओके वी हैव फ्रूटन, ओके वी हैव अर्थ गाइड, ओके यस, कोई ना कोई विश आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है और आप डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में इन्वायरमेंट के साथ, नेचर में,
टाइम स्पेंड करने वाले हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप में जाओ या कहीं घूमने जाओ, किसी पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, लेक साइड पे जाओ, बीच पे जाओ, माउंटेन पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन घूमने जरूर जाने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर में और नेचर के साथ कनेक्टेड फील करने वाले हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।